नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टॉक ट्रेडर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ उसमें मैं पूरा अगस्त महीने का अपना प्रॉफिट दिखाऊंगा और साथ में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि इंट्राडे से मैंने कितना कमाया और मैंने ETF स्विंग ट्रेडिंग से कितना कमाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक ETF का छोटा सा ट्रेडिंग कोर्स है। नंबर यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर फ्लैश आउट कर रहा है 6201514820 नंबर पे व्हाट्सअप करके हाय हेलो करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी करंट प्रोफाइल मेरा आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है ना कि प्रॉब्लम ये है कि कोई भी आप लोग चाहे कोई भी इन्फ्लुएंसर का वीडियो ज़्यादा देखते हैं, जो ट्रेडिंग कर रहा है रेगुलर कई सालों से वीडियो दिखा रहा है बेचारे के मुश्किल से 10-12 हज़ार 20 हज़ार 30 हज़ार सब्सक्राइबर है, बट जो मिलियंस में जिनके सब्सक्राइबर है वो ETF के बारे में बता देंगे, बेशक कुछ गलत ही बताएं। जैसे कि SWP करके 1% महीना लोगे तो माइनस में आपका पोर्टफोलियो चले जाएगा, बट मैं नाम नहीं लूँगा, जिन इस इन्फ्लुएंसर ने बताया है बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, मिलियन और मिलियन व्यूज़ वीडियोज़ पर। तो इस तरीके से पब्लिक गुमराह हो रही है और लास्ट में जो 10-15 साल बाद अपना बेचारा पोर्टफोलियो चेक करेगा तो माइनस में मिलेगा। तो देख, कैलकुलेशन करके या डाटा के साथ जो बात करे उस पर भरोसा करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी पहले मैं ये बता दूं कि अभी इस महीने में करीब करीब 9 लाख 8.5 लाख का कैपिटल है मेरे पास में, जिसमें अभी मैंने फिर से नया स्टार्ट शुरू कर दिया। मैं प्रॉफिट लॉस सब दिखाता हूँ आपको। लिक्विड भी आज ही मैंने 5 लाख का खरीद लिया है, कल खरीदा था। इस सब में मंथली इनकम स्ट्रेटजी चल रही है 5 ETF में, हैंगसेन 20, ICICI B22, मैफेंग, BFSI और सिल्वर बीज में। ठीक है, मंथली इनकम स्ट्रेटजी स्टार्ट हुई है, अभी एक ही दिन हुआ है, आज दूसरे दिन की परचेजिंग भी हो गई है। अब चलते हैं प्रॉफिट लॉस पे, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और इंट्राडे की मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। तो प्रॉफिट लॉस के लिए मैंने जैसा कि आपको बताया था 16 तारीख से मैं रेगुलर कर रहा हूँ, बीच में मैं कर नहीं पाया था, तो 16 तारीख से मैं रेगुलर इंट्राडे कर रहा हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, तो 16 से उठा लेते हैं। ठीक है, ताकि इंट्राडे वाले सारे के सारे ट्रेड्स आ जाएं इसमें। टोटल दोस्तों आप क्लियरली यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि 43,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, 43,000 का प्रॉफिट है और टैक्स काट करके करीब 2,000 रुपये टैक्स काट करके 41,033.20 रुपीज़ मुझे मिल गया अभी तक इस महीने में। ठीक है, अब एक बार इसको मैं नीचे करके दिखा देता हूँ आपको किस किस ट्रेड में मैंने कौन कौन से ट्रेड्स लिए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये रियलाइज्ड प्रॉफिट है। रियलाइज्ड का मतलब ये मैं प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये ETF में है, BPCL इंट्राडे में 2600, इंट्राडे में लॉस हुआ, इंट्राडे में 3 बज गया तो 800 पे बाहर आना पड़ा। 11,000 ETF में मंथली इनकम स्ट्रेटजी में इंट्राडे लॉस 1700, क्योंकि स्टॉप लॉस लगा कर के ही करना है, जब भी करना है मैंने अपना क्लियर बताया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, किसी प्रकार का अगर आप लॉस करते हैं बिना स्टॉप लॉस लगाए तो कोई जवाबदारी नहीं होगी मेरी, पूरा आपको फंड मैनेजमेंट के साथ में कोई चीज़ करनी होती है। इंट्राडे में प्रॉफिट 9,267 रुपये का, ETF में प्रॉफिट 4%, ETF में प्रॉफिट 6,800 का, इंट्राडे में लॉस 194, शायद 3 बजे के आसपास निकला हूँ। नायका में लॉस 1700 का, PEL में लॉस, इंट्राडे प्रॉफिट 3,000 का प्रॉफिट है, इंट्राडे प्रॉफिट। सिल्वर बीज अभी अनरियलाइज्ड है, स्टार्ट हुआ है नया। ठीक है, इस तरफ वाले सारे अनरियलाइज्ड है, ये वाले रियलाइज्ड है। SJBN 3,000 का प्रॉफिट इंट्राडे में। ठीक है, क्या स्ट्रेटजी है मैं सारा बता देता हूँ आपको फिर से, क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है मेरे पास में, तो मैं क्लियर करना आपके ज़रूरी है। जो एक्स्ट्रा फंड आपके बचते हैं उससे आप इंट्राडे भी कर सकते हैं। इतना मैंने आपको क्लियर कर दिया, एक बार मैं आपको एक्सेल पर दिखा देता हूँ। ठीक है, कि टोटल एक्सेल पर मैंने नोट डाउन किया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, टोटल जो है ETF स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ये 5 ETF में मैंने मंथली इनकम किया था। ठीक है,
पांच इनकम में मैंने पांच ETF मिला करके 35,000 रुपया कमाया, 35,000 रुपीज़ कमाया, अलग अलग दिन प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और इंट्राडे में मैंने अलग अलग दिन अलग अलग कैपिटल से किया, किसी दिन मैंने 1 लाख से किया, किसी दिन 2 लाख से किया, 3 लाख से किया, मतलब 3 लाख बोल रहा हूँ तो मतलब 3 लाख का मतलब 60,000 डिवाइड बाई 5 कर दीजिएगा, मेरा कैपिटल 60,000 का था, 3 लाख का मार्जिन मिला करके होता है, तो 8,500 रुपीज़ इसमें आ गया। अब मैं 35 और 85 को प्लस करूँगा, 35,000 और 8,500 को, तो 43,000 बन रहा है, और 43,000 का मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, 43,000 का हमने यहाँ पर क्लियरली शो किया आपको, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं 43,590, ठीक है। तो ये मैच करा दिया मैंने आपको 43,587 मतलब 590। अब देखिए इंट्राडे के लिए बहुत सारी इंक्वायरी जो आ रही है, पहले तो देखिए आपको लॉस अगर बियर करने की कैपेसिटी है, लॉस करके आराम से चैन से सो सकते हो, उतना ही कैपिटल से आप अपना लॉस निकाल करके करना है। जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट डाटा पे आपको जाना है, इंडाइसिस पे जाना है, ठीक है, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ एक बार। अभी मार्केट ऑफ है, रात के 11 बज रहे हैं, निफ्टी 200 पे आपको जाना है, ठीक है। शेयर कैसे सिलेक्ट करने हैं ये देख लीजिए, इसमें आपको जो भी ऊपर है, ऊपर के 4-5 आप पकड़ लीजिएगा, अगर निफ्टी ग्रीन है तो आप बुल कर लीजिए, बाई कर लीजिए, अगर निफ्टी रेड है तो आप शॉर्ट कर लीजिए। बुल करने के लिए जो ऊपर के 4-5 है उसमें आप देख लीजिएगा, ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए, ठीक है, ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए, मतलब जब से खुला है तब से ऊपर की तरफ भाग रहा है वो, उसको आप पकड़ करके करना है, ठीक है। और अगर आप शॉर्ट करते हैं तो नीचे से आप देख लीजिए 3-4, ये 3-4 आप मिला लीजिएगा इसमें से, कभी भी 4 या 5 पकड़ लीजिएगा, 9-20 तक ये बन जाएगा, बन जाएंगी 9-18, 9-20 तक। इसमें ओपन इक्वल टू हाई होना चाहिए, मतलब जब से खुला है तब से गिर रहा है, ठीक है, उसी को आप शॉर्ट कीजिए, और शॉर्ट करने के साथ ही स्टॉप लॉस तुरंत उसमें लगा देना है, और स्टॉप लॉस लगा करके जो है आपको फिर टारगेट भी सेट कर देना है। तो ये स्ट्रेटेजी है, और जिनको भी थोड़ा भी स्टॉप लॉस से डर लगता है वो ना करें तो ही अच्छा है, और बाकी अपना ETF स्विंग ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम तो बनी रहा है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत है नहीं। तो ये सारी कहानी है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो से कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। इसी तरीके की रेगुलर वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, और स्ट्रेटेजी जाननी है तो आप बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नीचे विजिट कीजिए चैनल पे, एक से एक आपको स्ट्रेटेजी मिलती जाएगी, ठीक है, आप क्लिक कर करके बस देखते जाइए उसको, और जेन्युइन अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।